तो दोस्तों फिर से लेके चलते हैं आपको दिल्ली हाट में। अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके पहले उसे देख लीजिए, फिर ये जो सेकेंड पार्ट है आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो जो दिल्ली हाट है एक्चुअली में एक बहुत ही बड़ा मार्केट है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियोज में बहुत सारे यहाँ पे आइटम्स मिलते हैं, वो चाहे हमारे किचन से रिलेटेड हो जाएं या हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड हो जाएं या हमारे क्लॉथ्स हो जाएं, बहुत सारी चीज़ें। तो आज इस सेकेंड पार्ट में हम आपको ले चलते हैं कुछ और भी अमेजिंग चीज़ों को दिखाने के लिए जो अभी हम लोग देखने को बाकी थे। जैसा कि अभी मैं और अंदर चला जा रहा हूँ दिल्ली हाट में, तो दिल्ली हाट के अंदर जाते ही आपको बहुत सारे और भी स्टॉल मिलेंगे, अलग अलग चीज़ों के स्टॉल। जैसे इधर आप क्लॉथ्स देख रही हैं या पहले ही पार्ट में क्लॉथ्स के बारे में देख चुके होंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो ये अंकल बैठे हुए हैं, आपको किस पे, राइस पे, राइस के एक ग्रेन पे, मतलब आपको राइस ग्रेन पे आपके नेम लिखकर आपको दिखा सकते हैं, वैसे चीज़ों को ये करते हैं। और यहाँ पे एक भैया जी हैं जो आपको स्केच, आपका हूबहू स्केच बना के आपको दे देंगे। तो सबको यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग मिलेंगे जो स्केचिंग करते हैं, या राइस के एक दाने पे, चावल के एक दाने पे आपका नाम लिख देंगे। यहाँ पे अगर आपको हाउस बोर्ड बनवाना है, अपना घर का नेम का कुछ बोर्ड बनवाना है, तो बहुत ही डिजाइनिंग का यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा, बोर्ड मिल जाएगा, प्लस जितने भी डेकोरेशन के आइटम्स हैं ये मिल जाएंगे। चीनी मिट्टी के सामान देख सकते हैं या राजस्थानी ये चीज़ें देख सकते हैं, जैसे हमारी डॉल हो गई, तो ये सब चीज़ें राजस्थान की कल्चर को शोकेस करती हैं, तो ये भी चीज़ें वहाँ पे अच्छे से मिल जाएंगी। और अगर आप अपने घर में डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं तो दैट इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर योर हाउस डेकोरेशन। तो ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं सामने, ये सारे राजस्थान कल्चर से बिलोंग्स करती हैं। और आगे हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं, आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको डेकोरेशन में काम आएगी या और सारी चीज़ों में काम आएगी। तो ये हम लोग धीरे धीरे अंदर जाते हुए, तो अंदर और भी सारे शूज़ की दुकान हो गए हैं, सैंडल्स के दुकान हो गए हैं, जहाँ पे आपको अच्छे अच्छे डिजाइनिंग के मिलेंगे सारे भी चीज़ें। तो अंदर देख सकते हैं आप कितने सारे ज्वेलरी के भी दुकान हैं, जितने भी लेडीज से रिलेटेड आपका जो भी आपका पहनने वाला हो गया, प्लस अच्छी अच्छी चीज़ें। और रहा ये मैं थोड़ी देर के लिए, और ये आपके इयर रिंग्स हो गए, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पॉट्स हो गया, आपको गले में का हो गया, बैग्स हो गया, लेडीज पर्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें। प्लस आपको यहाँ पे स्नैक्स भी देखने को मिलेंगे, आपको अलग अलग स्टेट के पिकल्स मिलेंगे, अचार मिलेंगे, आप जो हर जगह के फ्लेवर को, स्टेट फ्लेवर्स को आपको शो करेंगे, आपको टेस्ट देंगे। तो हर चीज़ें यहाँ पे हैं और हर जगह देख सकते हैं कि लोग आते रहते हैं और यहाँ पे इंजॉय करते रहते हैं जनरली। और ये देखिए हैंगर में है, आपको बर्ड्स का नेस्ट हो गया, घोंसला हो गया, तो सारी चीज़ें डेकोरेशन की यूनिक यूनिक चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, जो ही बहुत ही खूबसूरत हैं, अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फ्लावर पॉट रखा हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं कि आपका छोटा छोटा हाउस है जो आप डेकोरेशन में रख सकते हैं। बर्ड्स हैं अपने अपने घोंसले में, देखिए कितना प्यारा सा सुंदर सा बर्ड्स है। और ये रहा ये कुछ लेडीज से रिलेटेड सिल्वर ज्वेलरी, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे सामान, और वो भी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत आपको सामान देखने के लिए मिल जाएंगे, और आपके वियरिंग के पर्पज से भी, पहनने के भी पर्पज से आपको ये सारे चीज़ें इजीली वहाँ पे मिल जाते हैं। तो देख सकते हैं सारे लोग कितने अच्छे अच्छे चीज़ों को बना के रखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे एक स्कूटर रखी हुई है, प्लस ऐसे ढकने वाला रखा हुआ है, प्लस मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिक चीज़ें रखी हुई हैं। मैं क्या ही बताऊँ आपको, अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो आप खुद ही देख लेंगे कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। प्लस ये रहा देखिए, इधर फ्लावर्स हो गए, प्लस यहाँ पे आपको स्टैचू मिलेंगी बहुत ही अच्छे अच्छे, जैसे देखिए यहाँ पे टाइगर है, प्लस डॉग है, तो कितनी अच्छे अच्छे स्टैचू हैं यहाँ पे, यूनिक यूनिक, बहुत ही क्यूट क्यूट से, और बहुत ही अच्छे अच्छे, जैसे देखिए बुद्ध भगवान का हो गया, लाफिंग बुद्धा का हो गया, तो ऐसे ऐसे स्टैचू अच्छे अच्छे डिजाइनिंग में, ऐसे लगेंगे कि जैसे बोल उठेंगे, तो ऐसे ऐसे स्टैचू आपको वहाँ पे इजली से देखने को
मिल जाते हैं और आपके मन को पूरा का पूरा ही ये स्टैचू क्या करते हैं, मोह लेते हैं। तो बहुत ही अच्छा अच्छा स्टैचू है, पेंटिंग्स हैं इनकी, देखिए आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे हमारे यहाँ पे सामान भी रखे हुए हैं, डेकोरेशन के डॉल हो गई, बाकी सारी चीज़ें बना बना के यहाँ पे अच्छे से शोकेस की हुई है, जो कि बहुत ही यूनिक है अपने आप में देखने में। और कुछ यहाँ पे जैसे हमारे ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा था ढकने के लिए या बैठने के लिए है। और कुछ लोग देखिए खरीदारी करते हुए अपने क्लॉथ को, कैसा कैसा क्लॉथ लेना है, कैसा अच्छा लगेगा कैसा नहीं। और ये शॉप और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे गुल्लक हैं जिसमें मनी हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो अजब अजब मतलब डिज़ाइन के हैं, कुछ टॉर्टवाइस के हैं, कुछ आप देख सकते हैं लॉफिंग बुद्धा भी है यहाँ पे, तो कुछ पिग बैंक टाइप में है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे जितने भी कलाकारी की हुई हैं बहुत ही यूनिक है और अपने आप में ही गजब की है। मतलब आपको मन करेगा कि आप सारा ही लेके चले जाओ, ऐसा ऐसा आपको वहाँ पे चीज़ें यहाँ पे शॉप पे देखने के लिए मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा लग रहा है सारा भी सामान अपने आप में। तो देख सकते हैं छोटे छोटे कैसे मिट्टी के पॉट के मिट्टी के पॉट्स बने हुए हैं यहाँ पे, बर्तन बने हुए हैं और बहुत ही अच्छे लुभावने सुंदर सा दिख रहे हैं ये। तो ये सब कल्चर को शो करते हैं जहाँ जिस स्टेट के हैं। और यहाँ पे जो हमारे बर्तन हो गए, ये हमारी रेड कलर की हो गई, और यहाँ पे हैंगर भी हैं, ट्रे भी हैं रेड कलर में। तो सब अपने आप में ही बहुत ही अमेजिंग किस्म की चीज़ें यहाँ पे पूरी रखी हुई हैं। और ऐसे ही बीच बीच में आपको शॉप भी मिलेंगे कुछ क्लॉथ्स के, तो कुछ हमारे क्लॉथ्स हो गए हैं, सूती क्लॉथ्स हो गए हैं, प्लस यहाँ पे जैसे देख लीजिए फिर हमारे जितने भी ये पीतल के हो गए या चांदी के, या आप कह सकते हैं यहाँ पे और भी जो भी मेटल्स होते हैं, तो उनके अलग अलग किस्म की स्टैचू हो गई। तो ऐसे ऐसे स्टैचू वहाँ पे आपको बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे और बहुत ही यूनिक देखने के लिए मिलेंगे, जो बहुत ही देखने में प्यारे लगते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये पीतल के यहाँ पे स्टैचू रखे हुए हैं, कुछ गॉड के रखे हुए हैं, गॉडेस के रखे हुए हैं, तो यहाँ पे आसानी से आपको मिल जाएंगे। कि कुछ सीप रखी हुई हैं, तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलती हैं देखने के लिए। और आपको अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं, ये देखिए जो घड़ी हैं कितनी प्यारी प्यारी घड़ियाँ हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई मूवी अगर सिप वाली, तो उसमें आपको ये सब घड़ियाँ देखने के लिए मिलेगी। जैसे देखिए ये जितनी भी घड़ी हैं कितनी अच्छी अच्छी हैं। कुछ हमारी जो यहाँ पे हैं डायरेक्शन बताने वाली भी घड़ी हैं, क्लॉक हैं, जो डायरेक्शन शो करती हैं कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। अगर आप पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखे होंगे तो उसमें आपको मिली होंगी। प्लस टाइमिंग सैंड वॉच है, वो बहुत ही अच्छी अच्छी की वो आपको टाइमिंग शो करती है, जैसा कि हम लोग मूवी में जनरली देखते हैं। तो बहुत ही प्यारे प्यारे मुझे ये सब घड़ियाँ लग रहे थे। आपको अंदर लेके चलते हैं, अंदर से आपको काफ़ी करीब से दिखाते हैं। ये हमारे लकड़ी के कॉम्ब हो गए, कंघियाँ हो गई, प्लस ये हमारे घड़ियाँ हो गई। तो यहाँ पे आप देखिए नज़दीक से इसको, कितनी अच्छी अच्छी ये घड़ियाँ हैं। मतलब यूनिक डिज़ाइन भी इनकी बहुत ही यूनिक है। और ये सैंड वॉच हो गया बालू वाली, प्लस ये लेंसेज हो गए बहुत ही अच्छी किस्म की, अच्छी अच्छी लेंसेज हैं, प्लस टॉर्टवाइज हैं, उसके अंदर क्लॉक है। तो बहुत यूनिक चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं अपने आप में ही, बहुत ही लुभावनी चीज़ें हैं जो देखने में बहुत ही प्यारी लगती हैं। देखिए कुछ जो वॉच हैं वो लेंस से बनी हुई हैं, उसके ऊपर की जो ग्लास है लेंस की फिट है, ताकि देखने में और भी वो क्या लगे, सुंदर लगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये थी सारे दुकान के अंदर की चीज़ें, और आपको लेके चलते हैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ों में। यहाँ पे कुछ आपको जड़ी बूटी रिलेटेड भी सामान मिल जाएगी अगर आपको लेने हैं तो। और ये यहाँ पे आपको पत्थर की निकासी की हुई, संगमरमर की, मार्बल की एक तरफ मूर्तियाँ चीज़ें, और दूसरी तरफ पीतल की चीज़ें, पीतल की मूर्तियाँ भगवान देवी देवताओं के आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, पीतल के अच्छे अच्छे कलाकृतियाँ, और राधा कृष्ण की भी कलाकृतियाँ मिल जाएंगी, या नटराजन की मिल जाएंगी, लॉर्ड बुद्धा की मिल जाएंगी। तो ऐसे ऐसे चीज़ें आपको आसानी से वहाँ पे देखने के लिए और ख़रीदने के लिए मिल जाती हैं, जो बहुत ही प्यारी लगती हैं। कुछ लोग तो ऑर्डर दे के भी मंगवाते हैं, जैसे कुछ वहाँ के नेटिव्स हो गए जो रहने वाले हैं दिल्ली के, वो वहाँ पे ऑर्डर दे के भी अपने लिए पर्सनली मंगवाते हैं कि या
हमें इसमें का बना दीजिएगा या हमें इसमें का ला दीजिएगा। तो ऐसे ऐसे भी लोग वहाँ पे बातें करके अपने के लिए मंगवा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख सकता है, फिर चीनी मिट्टी के जितने भी बर्तन हो गए हैं जो हम लोग जनरली घरों में यूज करते हैं, कप्स प्लेट्स हो गया, हमारे डिनर सेट हो गया या हाँ ब्रेकफास्ट सेट हो गया, तो ऐसे ऐसे चीज़ें वहाँ पे देखने के लिए हमें मिल जाती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा चीनी मिट्टी का ही यहाँ पे शॉप है, सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई है, अच्छी अच्छी चीज़ें। तो ये थी प्यारी प्यारी यहाँ की चीज़ें। अभी और भी आपको चीज़ें दिखाते हैं, ले चलते हैं और भी अंदर भी, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो हाँ, जब आप अंदर की ओर जाएंगे तो जब आप बैक साइड मतलब जब शुरू के छोर से लास्ट वाले छोर पे जाएंगे तो आपके लास्ट वाले छोर पे ये आपको मिलेगा, वहाँ पे आप सेल्फी ले सकते हैं। फिर लास्ट वाले छोर पे आपको यहाँ पे एक रेस्टोरेंट टाइप में मिलेगा, मतलब आपको हर जगह के यहाँ पे फूड मिलेगा, आप जो फूड खाना चाहते हैं पैसे देके खा सकते हैं। तो नागालैंड के रिलेटेड फूड मिलेगा, पंजाबी फूड मिलेगा, मतलब हर स्टेट का अपना अलग अलग स्टॉल है। आप वहाँ हर स्टॉल पे जाके आपको अगर वहाँ का जो भी डिश खाना है तो आप वहाँ पे जाके डिश को खा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है तमिलनाडु महाराष्ट्र फूड स्टॉल, फिर ऐसे कर करके सिक्किम फूड स्टॉल, पंजाबी फूड स्टॉल, जैसे यहाँ पे देखिए पंजाब फूड, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे स्टॉल हैं। तो लोग लास्ट में या जब जाते हैं तो अलग अलग स्टेट के फूड को भी खा के इंजॉय करते हैं, क्योंकि वहाँ की जो कल्चर है, वहाँ की जो टेस्ट है, उसको भी लोग जानना चाहते हैं कि हाँ कैसा लगता है। तो यहाँ पे आप जब जाएंगे तो आपको भी बहुत सारे फूड स्टॉल मिलेंगे, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ स्टेट के अगर जो आपको मन करता है खा के आएँ। फिर हम लोग वहाँ से निकलें तो आपको फिर यहाँ पे अंदर फिर आपको मार्केट में घुसेंगे तो ऐसे आपको और भी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए अच्छी अच्छी यहाँ पे मिलेंगी। तो जैसे देख सकते हैं अभी मैं इधर से गया था तो ये था। और एक चीज़ और बता दूँ कि आपको उधर ही बैक साइड में आपको जो APJ अब्दुल कलाम जी हैं उनका मेमोरियल मिलेगा, उनके बारे में सारी चीज़ें देखने के लिए आपको मिलेगा। तो वहाँ पर भी आप इसी के थ्रू, इसी रास्ते के थ्रू जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मधुबनी पेंटिंग्स हैं, डिजाइंस हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी हैं। कुछ बैग्स हैं, थैले हैं जो हमारे जूट के बने हुए हैं, तो ये भी काफ़ी सुंदर सुंदर मैट हो गई, तो ये भी काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे डिज़ाइनें आपको देखने के लिए आसानी से मिल जाती हैं। मतलब अगर आप जाते हैं दिल्ली हॉट में तो आपको जो भी इसेंशियल चीज़ें होती हैं घर के लिए वो आसानी से मिल जाती हैं, और वो भी यूनिक और आपके पसंद की मिलती हैं। मतलब वो कोई भी देखेगा तो उसके मन को मोह लेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे बिकती हैं। जैसे देखिए कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पे डिज़ाइन की हुई सारी चीज़ें बिक रही हैं। तो अगर आपको दिल्ली हाट जाना है तो ज़रूर जाएं, एक बार ज़रूर घूमें, और हाँ कुछ पैसे भी लेके ज़रूर अधिक जाएं ताकि आप बहुत सारे सामान खरीद सकते हैं अगर पैसे होंगे ज़्यादा तो। और बहुत ही अच्छे अच्छे सामान होते हैं और आपको नियरली 2-4 hours ज़रूर लग जाएंगे अगर आप अच्छे से विजिट करते हैं एक एक शॉप को, तो 2-4 hours आराम से आपके लग जाएंगे दिल्ली हाट में। तो आराम से जाइए, चिल करिए, घूमिए वहाँ पे, सारे स्टॉल को शॉप को एक्सप्लोर करिए, देखिए क्या है, कहाँ की क्या कल्चर है। तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वहाँ पे लोग मिलेंगे, काफ़ी स्वभाव के अच्छे होते हैं, बातचीत करने में भी अच्छे होते हैं, जेंटल होते हैं, क्योंकि वो लोग रोज़ ऐसे ही लोगों को डील करते हैं, रोज़ लोगों से उनकी बातचीत होती है, मुलाकात होती है अलग अलग किस्म के लोगों से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा पिकल का हमारा शॉप है, अलग अलग स्टेट के यहाँ पे पिकल्स मिल जाएंगे आपको, अचार मिल जाएंगे। तो ऐसे करके बहुत सारी शॉप है, मैं कितना ही गिनाऊँ उतना ही आपको कम है, ज़्यादा आपको एक्सप्लोर भी नहीं कराया जा सकता क्योंकि बहुत सारी शॉप हैं। अगर ज़्यादा एक एक को दिखाया जाएगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करना है तो जाइए वहाँ पे और खूब एक्सप्लोर करिए, इंजॉय करिए फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, या किसी के साथ भी अकेले भी जा सकते हैं। अगर फ्रेंड फैमिली के साथ जाएंगे तो ज़्यादा इंजॉय होगा आपका। तो यही था सारा चीज़ दिल्ली हाट के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। फिर से कहना चाह रहे हैं कि अगर पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन भी बताई गई है कैसे पहुंचना है, कैसे जाना है। और अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी सेंड करिएगा ताकि उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिल सके इस बारे में, दिल्ली हाट के बारे में, कि अगर वो भी कभी दिल्ली जाएँ तो ज़रूर विजिट करें इस प्लेस को।
क्योंकि ये प्लेस क्या है, आप एक अपने आप में ही एक पूरा बड़ा सा मार्केट है जो बहुत ही आपको सुहावना मनमोहक लगने वाला है। आपको हर स्टेट के चीज़ों से आपको वहाँ पे मिलाने वाला है कि यहाँ की स्टेट की चीज़ें ऐसी होती हैं, उस स्टेट की चीज़ें ऐसी होती हैं। तो जैसा कि मैंने सारा एक्सप्लोर कर लिया, सारा घूम लिया, अब मैं बाहर की ओर निकलने जा रहा हूँ। मैंने सारा हर चीज़ को अच्छे से देख लिया, अब बाहर की ओर जाते हुए मैं अब निकलूँगा यहाँ से बाहर की ओर। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अपने कुछ न्यू ब्लॉग में कुछ और ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम। अब आ गया मेरा एग्जिट पॉइंट। बाय बाय, टेक केयर।